हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्दी टिप्स एंड एडवाइस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं, और जब कोई गर्भवती महिला उनकी गर्भावस्था के दौरान ठंडा पानी पीती है तो इससे गर्भ में पड़ रहे शिशु को कैसा महसूस होता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन नजर आ रहा है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन पानी पीने के लिए भी अगर गर्भवती महिलाओं को ये सोचना पड़े कि उन्हें गर्म पानी पीना है या फिर ठंडा पानी पीना है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और जो हमारी प्रेगनेंसी है वो कोई बीमारी नहीं है जिसमें किसी गर्भवती महिला को पानी पीने के लिए भी इतना सोचना पड़े। तो गर्भवती महिलाएं उनकी गर्भावस्था के दौरान ठंडा या फिर गर्म पानी कैसा भी पानी पी सकती। और प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट वुमेन का जो खान पान होता है वे बदलते मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो अगर ऐसे में गर्मियों का मौसम है तो गर्भवती महिलाएं ठंडा पानी पी सकती है। लेकिन ठंडा पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि वे जरूरत से ज्यादा ठंडा पानी पिए। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इससे गर्भवती महिलाओं को सूजन हो सकती है, उनके पेट का जो वातावरण होता है वे अलग हो सकता है, जिससे गर्भ में पड़ रहे शिशु को बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या फिर ठंडा पानी पीने से गर्भवती महिलाओं का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वे बदल जाता है, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को सर्दी जुकाम होने की समस्या भी रहती है। तो इसलिए गर्भवती महिलाएं गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी तो पी सकती है, लेकिन उन्हें थोड़ा ठंडा पानी और थोड़े नॉर्मल पानी को मिक्स कर पीना चाहिए। बाकी मैं आपको प्रेगनेंसी में पानी पीने के लिए बताऊं तो लुकवार्म वाटर को, यानी कि हल्के गुनगुने पानी को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब कोई महिला गुनगुना पानी पीती है तो उनको एसिडिटी की समस्या नहीं होती, उनके पेट में और सीने में जो जलन की समस्या रहती है वह भी सही हो जाती है, पेट का जो वातावरण रहता है वह एकदम नॉर्मल रहता है, शिशु को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, और गर्भवती महिलाओं के शरीर में जो बैड टॉक्सिन होते हैं वे भी रिमूव हो जाते हैं। और जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बदलते मौसम के अकॉर्डिंग गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में बदलाव करते रहना चाहिए, इसलिए गर्मियों के मौसम में गर्भवती महिलाएं ठंडा पानी पी सकती है, क्योंकि गर्मियों में ठंडे पानी से ही प्यास बुझती है। तो इसलिए बेझिझक होकर गर्भवती महिलाएं बिना कुछ सोचे ठंडा पानी पिए, लेकिन उन्हें जरूरत से ज्यादा ठंडा पानी या फिर जरूरत से ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि ये दोनों तरीके से पानी पीना गर्भवती महिला और उनके गर्भ में पड़ रहे शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़े ठंडे पानी को और थोड़े नॉर्मल पानी को मिक्स कर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है इन्फॉर्मेशन कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं, और अगर गर्भवती महिलाएं ठंडा पानी पीती है तो इससे गर्भ में पड़ रहे शिशु को कैसा महसूस होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।